दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक आयरन है और इसका रिपेयर और कनेक्शन जो है उसके बारे में आज बताएंगे। आयरन जो है काफ़ी पुराना आयरन है ये। इसका रिपेयरिंग किया जा सकता है, इसका अंदर अगर ख़राब होता है तब भी रिपेयरिंग किया जा सकता है। और ज़्यादातर इसका पावर केबल जो है वही मतलब ख़राब हो जाता है। तो इसका कनेक्शन, अगर आपका वायर जो है, पावर कोर्ड जो है, अगर नीचे एकदम आयरन का बेस से अगर जल गया है, छूट गया है, तो इसका कनेक्शन जो है समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका यही कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, आज दिखाएंगे कि आप लोग अगर कनेक्शन जो है बेस से छूट गया है और आप नया केबल ले आ करके कनेक्शन जो है नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, रेड जो है कहाँ लगाएंगे, माइनस कहाँ लगाएंगे, और आर्ट का जो वायर है आप कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, इसके बारे में दिखाएंगे। तो लगाने से पहले जो तरीका मैं दिखाता हूँ दिखा रहा हूँ वो तरीका एक बार आप लोग यूज़ करके मतलब चेक करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सब आयरन का कनेक्शन जो है सेम जैसा नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक कनेक्शन ये है और एक नीचे में है, तीन कनेक्शन है। तो प्लस पॉजिटिव जो है किस में होगा और नेगेटिव जो है किस में होगा, और जो अर्थ का वायर है वो किस में होगा वो पता कर लीजिए आप। और पता करने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ, अक्सर ये दोनों में ही प्लस माइनस होता है। तो 100 में 10 आयरन में कुछ मतलब ऐसा सेम नहीं होता है। तो फिर भी अगर बेस से आप केबल को निकाल के आप लगा रहे हो तो निकालते वक्त आपको पता चल जाता है कि ये प्लस है ये माइनस है। तो आपके पास अगर सीरीज लैम्प है तो सीरीज लैम्प से कीजिए, नहीं तो मल्टीमीटर में आप कंटिन्यूटी रेंज में भी आप टेस्ट कर सकते हैं इसका फेस और पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो देखिए, सीरीज लैम्प से ये दोनों को टेस्ट करने के बाद मेरा सीरीज लैम्प का लाइट जो है ग्लो करने लगा है। मतलब कि ये देखिए, और नीचे अंदर जो एलईडी है वो भी ग्लो कर रहा है। अभी सीरीज़ में नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एसी 230 में लगा रहा हूँ। तो मतलब मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये दोनों जो अभी मैं टच किया था वही है, और बीच में नीचे वाला जो है वो आर्ट का वायर है। आप अगर लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप तीनों जो टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल में बारी बारी से एक एक करके आपका जो मल्टीमीटर है या आपके पास अगर सीरीज टेस्ट लैम्प है तो उसका मदद से आप बारी बारी से टच करके देखिए। कोई भी दो टर्मिनल में टच करने के बाद अगर आपका बल्ब जो है ग्लो कर रहा है तो वही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन है। तो आप कनेक्शन लगाने से पहले ये चीज़ का ध्यान में रखिए, रख कर के ही कनेक्शन कीजिएगा। दोस्तों, मेरा चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और घंटी का आइकॉन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।
आर्ट का कनेक्शन का जो टर्मिनल है वो जो है स्क्रू लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं चला करके आप लोग को दिखा भी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा आयरन जो है इसका जो कनेक्शन है पूरा हो चुका है। अभी ऑन करके आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए एसी करंट में लगाया हूँ मैं, ऑन हो गया और आयरन जो है काफ़ी गर्म भी हो गया है, लाइट जो है ऑफ हो गया है। फिर से लगाता हूँ। इसका फंक्शन ऐसा रहता है कि आपका जो आयरन है वो उसका एक टेम्परेचर रहता है, उसका टेम्परेचर तक अगर गर्म हो गया तो एलईडी जो है बंद कर देता है। मतलब आपका अंदर जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसका कनेक्शन जो है कट कर देता है, ताकि एसी करंट जो है आपका थर्मोस्टेट तक नहीं पहुंचा जा सके। उसके बाद जो है आपका एलईडी जो है उसका भी कनेक्शन कट हो जाता है। तो यही है दोस्तों आज के लिए। तो एक पेपर में एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को उसका कनेक्शन के बारे में। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो में दिखाना और ये डायग्राम में दिखाना थोड़ा अलग है। ये देखिए इसमें तीन टर्मिनल रहता है। आप सीरीज स्लैम से कोई भी दो टर्मिनल में टच कीजिए, अगर उसमें लाइट बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है तो आप फिर मिडिल में टच करके देखिए, अगर उसमें ग्लो कर रहा है तो ये दोनों आपका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। कौन सा भी दो में अगर लाइट आपका जो सीरीज स्लैम का जो बल्ब है अगर ग्लो करेगा तो वही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन होगा दोस्तों। तो कोई कोई स्त्री में आयरन में अलग रहता है, तो ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।